तो कैसी है पब्लिक, आई होप सारे लोग अपने घर पे सेफ हैं। तो इंटरनेट में ये एक पोस्ट है जो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, जिसके हिसाब से टुनाइट 12 मिडनाइट ऑनवर्ड्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। मतलब आज रात 12 बजे से ये लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं है। एंड एज पर द पोस्ट, नो अदर सिटीजन इज़ अलाउड टू पोस्ट एनी अपडेट और शेयर एनी फॉरवर्ड रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोई भी सिटीजन को ये अलाउ नहीं है कि वो कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड पोस्ट अपडेट करे। ग्रुप एडमिन्स को भी, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को भी 2 दिन के लिए ग्रुप बंद करने के लिए बोल दिया गया है। और इस पोस्ट के साथ लाइव लॉ का एक आर्टिकल अटैच कर दिया गया, लिंक अटैच कर दिया गया, ताकि ये जो पोस्ट है वो क्रेडिबल लगे। अगर आप इस पोस्ट पे जाओ तो इस पोस्ट में भी काफ़ी क्लियरली ये चीज़ लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से ये परमिशन मांगी है या रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से, कि क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कोरोना में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकती है। तो कोई भी न्यूज़ पब्लिशिंग हाउस, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या टेलीविज़न मीडिया हो, वो गवर्नमेंट से बिना पूछे बिना कंसल्ट करे कोई भी न्यूज़ अपडेट ना करे, ताकि कोई पैनिक क्रिएट ना हो। ना कि ये कहा है कि कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता, पब्लिश आप कर सकते हो, बता सकते हो, बट आफ्टर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड पब्लिश हो जाए उसके बाद। एंड येस, देयर इज़ अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंदर कोई भी आप फॉल्स न्यूज़ अगर पब्लिश करते हो उसके वजह से पैनिक क्रिएट हो होता है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको अगेंस्ट क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। फाइनली कंक्लूड करने के लिए, ये पोस्ट फेक है। आप कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ों को अपडेट कर सकते हो, बट जब गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दे, और अगर कोई भी आप फेक न्यूज़ फैलाते हो तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस होगा, तो उसके लिए सावधान रहना। सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, किस आर्टिकल के थ्रू ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला है, वो सारे लिंक्स नीचे हैं, पहले पढ़ लो। अगर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हमारी सही लगे फिर इसे शेयर करना मैक्सिमम लोगों तक, ताकि फेक न्यूज़ स्प्रेड होने से रुके। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई नया अपडेट मिस ना हो। अगर आपको किसी भी न्यूज़ पे डाउट है तो उसे डबल चेक करो। अगर हमारी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, हमें मैसेज कर दो, हम उसको डबल चेक करके आपको बता देंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक सेफ रहो, फेक न्यूज़ से दूर रहो और चिल मारो।